अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हमारा टॉपिक है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। लैडर स्टेटमेंट काफ़ी अजीब सा नाम है ना। लैडर किसे कहते हैं? वो जो सीढ़ी नहीं होती यार, जिसे दीवार पे रख के, हम बांस की सीढ़ी होती थी ज़्यादातर बचपन में भी खेला करते थे कि बांस की सीढ़ी को लेके दीवार पे लगा के ऊपर चढ़ जाया करते थे। आजकल स्टील की भी आ गई हैं, डबल साइड भी आ गई हैं। तो लैडर असल में उस सीढ़ी को कहते हैं जैसे सीक्वेंस में पाइप्स की शेप होती है ना, जिसमें हम चढ़ के दीवार पे चढ़ जाते हैं, छत पे कोई भी कीला ठोकना हो या कोई काम करना हो तो ऐसा काम हम कर लेते हैं। तो लैडर वर्ड वहाँ से आया, क्योंकि एक्चुअली इसकी कोई जस्टिफाइएबल लॉजिकल डेफिनेशन तो नहीं मुझे पता कि इसने लैडर नेम क्यों रखा है, लेकिन एक छोटी सी लॉजिक बनती है जस्टिफाइएबल लिटल बिट कि ये सीक्वेंस में है। बिल्कुल जैसे सीढ़ी के पायदान होते हैं ना, पायदान के ऊपर पायदान, बिल्कुल वैसे ही ये भी कंडीशनली वर्क करेगी पायदान के मुताबिक कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। एक्चुअल आंसर ये है कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हैं, बात ठीक से समझिएगा, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो और सिचुएशन है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, ये वो नहीं है। एक होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब कंडीशन के अंदर कंडीशन किस तरीके से हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी है, तो मैं आर्मी में जाने लगा हूँ या कोई भी आर्मी में स्टूडेंट जाने लगा है, तो आप वहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या करें, एंटर योर एज, वो अपनी एज एंटर करता है, तो कंडीशन वन ट्रू हो गई। अब उसी के अंदर एक और कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, यानी ये कंडीशन होने ट्रू होने के बाद एक कंडीशन है, वो क्या है कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो ये इफ़ के अंदर इफ आ गया, ये हो गया नेस्टेड इफ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये सिचुएशन और है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं कि अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे एक कंडीशन पहले आ रही है, अगर वो ट्रू होती है तो ये चले, वरना फिर एक कंडीशन है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये चले, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये चले। यानी कि यहाँ पे तीन कंडीशंस आ गईं। पहली कंडीशन अगर इसमें लिख देता हूँ, वैसे लिखना भी चाहिए था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था कि आपके सामने लिखूँ कंडीशन वन कंडीशन टू। टू कितना अजीब सा लिख दिया यार, ओहो। असल में ये सिर्फ सिंटैक्स नहीं है ना, ये सिर्फ एक सुडो कोड है। सुडो कोड मतलब एक नक्शा है, बस रफ सा लिखा हुआ है कि ऐसा होगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, अभी प्रोग्राम करेंगे ना तो डिटेल से समझ आ जाएगी, डोंट वरी। एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट क्या है? इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन रन दिस एल्स इफ। अब क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखते थे, इफ़ और एल्स, यहाँ पे आएगा एल्स इफ। ये नई चीज़ है, इस वजह से इसको एल्स इफ लैडर कहते हैं। पहले आया इफ, एंड पे आया एल्स, और बीच में क्या आएगा, एल्स इफ। याद रखने का बेहतरीन तरीका, पहले इफ स्टेटमेंट, नीचे एल्स स्टेटमेंट, और सेंटर में आएगा एल्स इफ स्टेटमेंट, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे भी स्टेटमेंट आएगी। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से हम प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको जल्दी से ठीक से समझ आ जाए कि सर ये क्या बोरियत वाला काम है यार, कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। प्रोग्राम करेंगे ना फौरन समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंटीजर मेन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सोचो मेरे लिए कितना बोरिंग है, बार बार लिखता हूँ मैं। या प्रोग्राम बहुत मज़ेदार से मैंने लिखा है, हमने दो नंबर्स यूज़र से इनपुट करवाने हैं। यूज़र से क्यों करवाते हैं ना, वो गेम बन जाती है कि यूज़र, जैसे हम घर में क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिएगा लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम बनाने के बाद बच्चों के साथ खेला करें, बच्चे को बुलाएं, इधर आओ, दो नंबर एंटर करो, लिखा आएगा एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू, और आउटपुट जनरेट होगी ऑटोमेटिकली कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। या मज़ेदार है, यानी इस तरह के खेल खेलने आएंगे तभी हमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो शुरू करते हैं। हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए, इंटीजियर नंबर वन, ये मेमोरी में एक जगह ले ली, इंटीजियर नंबर टू मेमोरी में जगह ले ली। ठीक है, ये इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कोमा से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल इंटीजियर टाइप के हमने ले लिए। ओके, कंसोल आउटपुट विंडो पे क्या लिखा आएगा, एंटर नंबर वन। ओके, अगर मैं आउटपुट विंडो ना भी लिखूँ तो इट्स ओके, आपका काम चल रहा है, समझ लीजिए एंटर नंबर वन लिखा आ गया। ओके, और इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला मैंने, डाल देते हैं यार। ओके, इज इक्वल टू के साइन के बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक होगा, फॉर एग्जांपल उसने कोई भी नंबर इधर एंटर किया, फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया। ठीक है, तो 5 इसमें जाके सेव हो गया, सी इन हो गया नंबर वन में, जो भी हमने एंटर किया तो नंबर वन में ये जाके सेव हो गया। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है, प्रैक्टिस इतनी तो आएगी होगी। ओके, फिर क्या लिखा आएगा, फिर लिखा आएगा एंटर नंबर टू। ओके, फॉर एग्जांपल उसने नंबर एंटर किया 10, और नंबर टू में सी इन हो गया नंबर टू में क्या 10। अब पहली कंडीशन, इफ नंबर वन इज़ ग्रेटर देन नंबर टू, अगर नंबर वन नंबर टू से ग्रेटर है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या रन होना चाहिए, ये, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है, वो ये नहीं चलेगा, वो एल्स पे चला जाएगा। ट्रू होने की सूरत में वो इसको रन कर देगा, और फॉल्स होने की सूरत में वो एल्स इफ पे चला जाएगा। आई होप सो आप समझ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
यूजर ने दो नंबर एंटर किए 5 और 10। इफ नंबर इज नंबर वन जो है वो ग्रेटर देन 10, अगर नंबर वन जो है वो ग्रेटर देन नंबर टू है जो एंटर किए यूजर ने, अगर ये ट्रू होती है तो ये सी आउट कर दो, ये रन कर दो। तो ये तो ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो एल्ज इफ पे चला जाएगा। जैसे ही एल्ज इफ पे गया, अब दोबारा कंडीशन, नंबर वन अगर छोटा है नंबर टू से, तो अगर ये ट्रू होती है तो इसको रन कर दो। तो ये तो ट्रू हो गई, नंबर वन तो छोटा है ना नंबर टू से, तो क्या लिखा आएगा, नंबर टू इज़ ग्रेटर, लिखा क्या आएगा, नंबर टू इज़ ग्रेटर, ये लिखा आ जाएगा। ये रफ सा वर्क है यार, इसलिए बर्दाश्त कर लो इसको, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ कि नंबर टू ग्रेटर लिखा आएगा। ओके, अब मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आई होप यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, क्योंकि प्रोग्राम ये पूरा नहीं लिखा हुआ, जानबूझ के नहीं लिखा, उसकी रीज़न भी बताऊँगा। कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, देखो क्या होता है अभी, ठीक है। ओके, जो मैंने नंबर एंटर किए मैं उनको चेंज करने लगा हूँ, तो देखता हूँ कि इससे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ओके, दोबारा से प्रोग्राम चला, एंटर नंबर वन, ये दोबारा चला, तो मैंने लिखा, ये नहीं लिखा हुआ, एंटर नंबर वन लिखा है, मैंने इधर एंटर कर दिया 20, फिर लिखा है एंटर नंबर टू, मैंने एंटर कर दिया 10। ओके, ठीक, ये मैंने एंटर करके एंटर प्रेस किया, इधर आया, नंबर वन इज़ ग्रेटर दैन नंबर टू, नंबर वन इज़ 10, नंबर टू इज़ सॉरी नंबर वन इज़ 20 नाउ एंड नंबर टू इज़ 10 नाउ। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो लिखा क्या आएगा, नंबर वन, ओहो नंबर वन इज़ ग्रेटर, दैट्स इट। असल में वो रफ सा ना, बस इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ कि नंबर वन क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब ये दोनों कंडीशंस तो हो गई कि अगर एक छोटा एक बड़ा है। अब मैं प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करता हूँ आपसे, बात एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए कि ये मैंने पूरा क्वेश्चन क्यों, इसको मैं ऐसे क्यों नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन पूरा है, ये मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ये पूरा लिखा है, उसकी रीज़न अभी आपको बताता हूँ। देखें, नंबर वन इज़ ग्रेटर, नंबर टू इज़ लेसर, नंबर वन इज़ लेसर, नंबर टू इज़ ग्रेटर, ये तो दोनों कंडीशंस हो गई। बट अब एल्ज में मैं क्या लिखूँगा, ये तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि नंबर वन अगर ग्रेटर है तो ये वाला प्रिंट कर दो, नंबर टू ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर दो, तो फिर एल्ज में क्या आएगा। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो, काफ़ी लोगों ने तो सोच लिया होगा, आई नो बहुत बहुत जीनियस हैं सारे, मेरे जैसे थोड़ी हैं, मैं तो ऐसे ही फर्स्ट आ गया था पता नहीं कैसे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक हैं, उन्हें तो पता चल गया होगा कि एल्ज में क्या आएगा। ये एल्ज की विंडो आ गई, असल में जगह इतनी है कि आपको शायद स्क्रीन पे पूरा नज़र ना आए, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ कि ये आ गई एल्ज की विंडो और ये हमारा मेन फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, एल्ज के अंदर लिखा क्या आएगा, सोचो यार, तब तक मैं साथ साथ लिख लूँ, आई नो काफ़ी लोगों ने सोच लिया होगा इसलिए लिख देता हूँ। यहाँ लिखा आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, जी हाँ यहाँ ये लिखा आएगा, क्योंकि ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो। देखो कैसे आया, एंटर नंबर वन, एंटर नंबर वन फाइव किया, फिर लिखा आया एंटर नंबर टू, नंबर फाइव एंटर किया, अब क्या होगा, इधर आया फाइव ग्रेटर देन फाइव, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, मूव करके एल्स पे आया, मज़ा आ रहा है, एल्स इफ फाइव लेसर देन फाइव, कंडीशन फिर फॉल्स हुई, कहाँ पे आएगा, एल्स पे, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो क्या होना चाहिए, सी आउट कर दो, बोथ नंबर्स आर इक्वल। एंड आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझ आ गया हो और आपको एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की ठीक से समझ आ गई हो। अगर कोई भी रत्ती भर भी कन्फ्यूजन हो ना, तो क्या किया करो, पूरे प्रोग्राम को अपने आईडीई पे लिख के रन करके देख लिया करो, लिटरली इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आई लिटरली टेलिंग यू, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि प्रोग्राम की प्रैक्टिस खुद ज़रूर किया करो। मैं कोशिश करता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप पे ये प्रोग्राम दिखाने की ताकि आपको और बेटर वे में अच्छे से समझ आ जाए। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप स्क्रीन। वेलकम गाइज, वेलकम अगेन टू माई डेस्कटॉप। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एल्ज इफ प्रोग्राम, एल्ज इफ लैडर भी कह सकते हैं इसको, लैडर इसलिए कि सीक्वेंस में है, वो हम क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से मूव ऑन करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा था प्रोग्राम वही प्रोग्राम अपने डेस्कटॉप पे करते हैं। ओके, सो वो बेसिक थिंग्स आ गई, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने दो नंबर लिए यूजर से, इस दफ़ा हम यूजर से दो नंबर इन करवाना चाहते हैं। हमने दो वेरिएबल इनिशलाइज करवाए, नंबर वन नंबर टू, सेमी कॉलन का मतलब कि ये दो नंबर इनिशलाइज करवा दिए, कॉमा आ रहा है याद रखिएगा बीच में, अगर आप यहां सेमी कॉलन डाल देते हैं तो ये गलत हो जाएगी बात, आपने यहां कॉमा एंटर करना है ताकि ये दो अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज हों, और सेमी कॉलन का मतलब कि ये इतने ही वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने हैं। ओके, ये स्टेटमेंट एंड हुई, नेक्स्ट पे आए, सबसे पहले लिखा आना चाहिए सी आउट में एंटर दी नंबर वन, जब हम कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे जाएं तो क्या लिखा आना चाहिए, एंटर दी नंबर वन, और यूजर जैसे ही नंबर एंटर करे वो नम वन NUM1 में सेव हो जाए। ऐसे ही फिर लिखा आना चाहिए, जैसे ही वो एंटर करे नंबर वन एंटर हो जाए, और फिर लिखा आना चाहिए एंटर दी नंबर टू, और जब जैसे ही वो नंबर एंटर करे वो नंबर किस में सेव हो जाना चाहिए, NUM num2 के अंदर।
अब इफ़ के अंदर आते हैं। अब हमारी पहली कंडीशन ये है कि अगर नंबर वन जो उसने एंटर किया वो ग्रेटर दैन नंबर टू है तो प्रिंट हो जाना चाहिए नंबर वन इज़ ग्रेटर, और अगर एल्स इफ नंबर टू ग्रेटर है जो उसने एंटर किया नंबर टू बड़ा है नंबर वन से तो प्रिंट हो जाना चाहिए नंबर टू इज़ ग्रेटर। और अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स कर जाती हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स ही नहीं चलती, तो फिर एल्स प्रिंट हो जाना चाहिए कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स ना, या तो नंबर वन ग्रेटर होगा या नंबर टू ग्रेटर होगा, अगर दोनों ग्रेटर नहीं होंगे तो फिर दोनों इक्वल होंगे। एक बात और, यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, आप तो नंबर टू इज़ ग्रेटर दैन नंबर वन भी लिख सकते हैं और नंबर वन इज़ लेसर दैन नंबर टू भी लिख सकते हैं, बाकी अप टू यू, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी अडॉप्ट कीजिए। मकसद है हमारा कंडीशन लगाना और प्रोग्राम को चलाना, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, आई होप सो कि ये लॉजिक आपको समझ आ गई होगी, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें, मैं इसको रन करता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ झूठ नहीं कह रहा हूँ। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू प्रेसिंग F11, ये हमें ले जाएगा कंसोल आउटपुट पे, देखें वैसे ही आ गया, एंटर दी नंबर वन, एंटर दी नंबर वन। फॉर एग्जांपल पहला नंबर एंटर करते हैं 10, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा num1 में 10 चला जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली लिखा आएगा एंटर दी नंबर टू। मैंने एंटर प्रेस किया और देखें लिखा आ गया एंटर दी नंबर टू, तो बच्चों वाली गेम हो गई ना मज़ेदार सी कि बच्चों इधर आओ दो नंबर एंटर करो, देखना कंप्यूटर खुद ही बताएगा दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो इस तरह के खेल खेलने ही पड़ेंगे ताकि प्रोग्रामिंग बेटर हो जाए। ओके, नंबर टू हम एंटर करते हैं 5, ताकि हम पहले नंबर को ग्रेटर कह सकें। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा कंडीशन इफ़ के अंदर जाएगी कि नंबर वन इज़ ग्रेटर दैन नंबर टू है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू होते ही ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी और बाकी सब कोलैप्स कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंटर प्रेस किया, क्या लिखा आया, नंबर वन इज़ ग्रेटर, या प्रोग्राम सही काम कर रहा है, दैट्स गुड। इसी का ओपोजिट करते हैं, दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और अब मैं क्या करता हूँ, नंबर वन प्रिंट कर एंटर करता हूँ 10 और नंबर टू एंटर करता हूँ 20। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो सेकंड कंडीशन है कि नंबर टू इज़ ग्रेटर दैन नंबर वन, ये ट्रू हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंट क्या होना चाहिए, नंबर टू इज़ ग्रेटर। तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ और लिखा आ गया नंबर टू इज़ ग्रेटर, या प्रोग्राम मज़ेदार हो रहा है। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ रही है, जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। ऑलराइट, F11 प्रेस किया, फिर से प्रोग्राम को रन किया, इस दफ़ा मैं गड़बड़ करता हूँ, क्या मैं दोनों नंबर इक्वल दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 10 और 10। अब नंबर वन भी ग्रेटर नहीं है, नंबर टू भी ग्रेटर नहीं है, तो अब क्या होगा, अब ये दोनों पार्ट रन नहीं होंगे, अब एल्स पार्ट रन होगा और लिखा आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। आई होप सो कि यहाँ तक आपको 100% क्लियर है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि कंडीशन समटाइम ना हम अपनी मर्जी से बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका तो ये है कि नंबर टू इज़ ग्रेटर दैन नंबर वन, दूसरा तरीका ये है नंबर वन इज़ लेसर दैन नंबर टू। तो कान इधर से पकड़ो या उधर से, पकड़ना कहानी है, ये वो बात है। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, अभी भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर मैं कहता हूँ नंबर वन जो है मेरा वो है 10 और नंबर टू है जो मेरा वो है 5, तो वो कहेगा नंबर वन इज़ ग्रेटर। और अगर मैं कह देता हूँ कि नंबर वन इज़ 5 एंड नंबर टू इज़ 50, तो वो बता देगा नंबर टू इज़ ग्रेटर। तो प्रोग्राम दोनों सूरतों में ठीक से ही चलेगा। अगर मैं इसमें दोनों नंबर इक्वल एंटर कर देता हूँ 100 100, तब भी वो कहेगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो कंडीशन जो है ना, कंडीशनल ऑपरेटर्स, एक तो ऑपरेटर्स वाली क्लास अगर किसी ने गलती से मिस की है तो ना मिस किया करो, सीक्वेंस में क्लासेस को देखा करो, इसलिए आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, चैनल पे जाइए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट को प्ले कीजिए और सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखिए ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। और ऑपरेटर्स वाली क्लास में मैंने इसलिए बताया था कि हम ये कंडीशनल ऑपरेटर्स को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम अब इंजीनियर्स हैं। एंड आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं इनको समझने में। नाउ गो बैक टू योर क्लास। आई होप अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। सजेशन वही है कि जितने प्रोग्राम हम करते जा रहे हैं, जितने टॉपिक्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो सर ने कर दिया आ गया हमें, नहीं, अपने हाथों से करो, इनमें चेंजिंग करके देखो, और आइडियाज़ सोचो। गूगल से सर्च करो कि एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के और कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उनको सर्च करो। देखें, स्टडी वही है जो खुद से की जाए, सेल्फ हेल्प इज़ दी बेस्ट हेल्प, यू नो दैट। तो कोशिश करो अपनी मदद आप करने की, ये मत सोचो कि इतना पढ़ा तो दुनिया इधर तक ही है। नो, कामयाब सिर्फ वो लोग होते हैं जो खुद से स्टडी करते हैं, जो चीज़ों की डीपनेस में जाते हैं, खुद से देखते हैं चीज़ों को, खुद से समझते हैं। मूवीज़ में देखा ना, हीरोज़ दीवारें भर देते हैं। अब हम उतने लाइक होते हैं जीनियस तो है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, हमने मूवीज़ देखनी होती हैं, गेम्स खेलनी होती हैं, सॉन्ग सुनने होते हैं, घूमने फिरने जाना होता है, काफ़ी कुछ करना होता है, आई नो दैट। और इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन कोई काम करने लगे हैं तो कभी कभी उसमें भी खो जाना चाहिए। 12-12, 14-14 घंटे कभी कभी पढ़ना भी चाहिए, ज़्यादा हो गया इट्स ओके, कभी कभी करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।